दोस्तों, इस तरह का वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है एसी मार्केट। एसी मार्केट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, पूरी तरह से ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है इंसर्ट एप्लीकेशन, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्लिक कर लेना है, उसके बाद इस आइकन पर क्लिक कर लेना है, उसके बाद फ्री डाउनलोड में क्लिक कर देना है। एक ऐड चलेगा, उसके बाद डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों, इतना हो जाने के बाद इंसर्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, उसके बाद वीडियो में क्लिक करना है, उसके बाद न्यू में, उसके बाद एक वीडियो सेलेक्ट कर देना है। वीडियो सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आ जाते हैं फिल्टर में। फिल्टर में क्लिक कर लेना है, उसके बाद एडजस्ट में आ जाना है। एडजस्ट में आने के बाद अब आ जाते हैं साइडो में। साइडो में आना है, उसके बाद इसे पूरा बढ़ा देना है। पूरा बढ़ाने के बाद क्या करेंगे, राइट बटन में क्लिक कर लेना है। राइट बटन में क्लिक कर लेने के बाद फिर से फिल्टर में क्लिक करना है, उसके बाद एडजस्ट में आ जाना है। एडजस्ट में आने के बाद HSL में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अब करना क्या है कि ये जो थर्ड वाला है उसे पूरा कम कर देना है, -100 कर देना है। उसके बाद ये जो फोर्थ वाला है उसे भी पूरा कम कर देना है। उसके बाद आप आ जाते हैं सैचुरेशन में। सैचुरेशन में क्लिक कर लेना है, उसके बाद ये जो थर्ड वाला है उसे पूरा बढ़ा देना है। उसके बाद अब आ जाते हैं फोर्थ में। फोर्थ में भी पूरा बढ़ा देना है। अब दोस्तों, इतना हो जाने के बाद लुमिनेंस में आ जाते हैं। लुमिनेंस में आने के बाद ये जो थर्ड वाला है उसे -52 या 3 के आसपास रख लेना है। उसके बाद ये जो फोर्थ वाला है उसे -70 या 71 के आसपास रख लेना है। उसके बाद राइट बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, अब आ जाते हैं राइट साइड में। राइट साइड में आ जाना है, उसके बाद कलर में क्लिक कर देना है। कलर में क्लिक करने के बाद ये जो ब्लू कलर है उसमें सेलेक्ट कर देना है, उसके बाद इसे पूरा बढ़ा देना है। अब दोस्तों, इतना हो जाने के बाद इस आइकन पर क्लिक करना है, उसके बाद देखना है कि पहले कैसा था अब और कैसा है। तो यहाँ बिफोर आफ्टर का देख सकते हैं। वीडियो को एक बार प्ले करके देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो इतना हो जाने के बाद राइट बटन में क्लिक कर लेना है। राइट बटन में क्लिक कर लेने के बाद फिर से राइट बटन में क्लिक करना है। उसके बाद अब आ जाते हैं म्यूज़िक में। म्यूज़िक में क्लिक कर लेना है, उसके बाद ट्रैक्स में आ जाना है। ट्रैक्स में आने के बाद माय म्यूज़िक में क्लिक कर लेना है। माय म्यूज़िक में क्लिक कर लेने के बाद आप अपने हिसाब से कोई सा भी अपना गाना चूज़ कर सकते हैं। कोई एक गाना चूज़ करने के बाद उसमें क्लिक करना है, उसके बाद यूज़ में क्लिक कर देना है। उसके बाद राइट बटन में क्लिक कर लेना है। राइट बटन में क्लिक करने के बाद सेव में क्लिक करना है, उसके बाद फिर से सेव में क्लिक करना है, उसके बाद साइज सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट करना है। तो दोस्तों, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद इसे एक बार प्ले कर लेना है। तो चलिए एक बार प्ले करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा।